जरदारी साहब आ रहे हैं वापस कल, तो इससे फायदा होगा पीपल्स पार्टी को या नहीं होगा? देखो बात यह है कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है वो मानना है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन चुका है ना, अब जरदारी के वापस आने से शायद कुछ बेहतरी हो, लेकिन लियारी में फायदा रेंजर्स और पुलिस ने बहुत हालात बेहतर किए हैं अभी, और वो तो अमन अमान के हवाले से ना, बिल्कुल जो अवाम के मसाइल है वो कौन हल करेगा? अवाम के मसाइल आपके सामने, आओ मैं आपको दिखा दूं सामने, आप इधर आए बस यहीं तक खड़े रहे, अब इस ठीक है ना, हाँ ये आप देख रहे हैं, इसी के आसपास लोग रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं अपना। ये सुपर देखें कारोबारी, ये दिखाएं जरा इसको सही तरह, ये लियारी जो है ना, ये समझो एक सदर है, सदर मतलब जैसा एम्प्रेस मार्केट, ये लियारी का सदर अली मार्केट, आप यही समझिए, लेकिन तरक्याती काम आप देख रहे हो, हर शाम 6 बजे बाद यहाँ जो है ना बच्चों को जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएं, ये हर दफ़ा मैं आता हूँ यही शिकवे सुनने को मिलते हैं, लेकिन हर दफ़ा वोट भी पीपल्स पार्टी को पड़ता है। यार देखो वो जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर को लोग भूलते नहीं हैं, बात यही है। अच्छा, चाहे आपके मसले हल हो या ना हो, मसले हल हो, देखो अभी क्या बोले, मसले तो कोशिश ये कि अभी हमारे लीडरों को होश आना चाहिए, मसलों को हल करें। सही है, देखो आप वरना वोट नहीं देंगे, अब आखिरी चांस ही है। एक बात मैं आपको कहूँ, मैं भले पीपल्स पार्टी का बदलाव, लेकिन आज तक मैंने लियारी में एक पार्क नहीं देखा है आज 40 साल में, आप बताएं कोई पार्क हमें बताएं।